गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक सिस्टम्स इन प्लांट्स। फर्स्ट इज प्लांट सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज ए वेरी एंशियंट टॉपिक। फर्स्ट प्लांट आइडेंटिफिकेशन रिपोर्टेड इन वेदास अराउंड 2000 BC बिफोर क्राइस्ट। क्लासिफिकेशन मीन्स द डिस्क्रिप्शन और डिविनेशन ऑफ समथिंग by the basis of some properties. So plant systematics is the branch of botany that is concerned with the naming, identification, evolution and classification of plants. According to Stuessa 1990, systematics is a related term sometimes used synonymously but involves a broader discipline of discovering phylogenetic relationship through modern experimental methods using comparative anatomy, cytogenetics, ecology, morphology, molecular data or other data or the use of other branches of the botany such as biochemistry. Now, objectives of taxonomy: determining what is a species,
or subdivision or subspecies. Also distinguishing these species from other through keys and descriptions and geographic boundaries and mapping, their disturbance distributions also. Investigating their interrelationships. Fourth, determining proper names of plant species and higher order ranks using international rules of nomenclature. That is, rules of ICBN. In addition, some taxonomists investigate processes of evolution that lead to the existing pattern of species and their interrelationship. Why classification? Around 4 lakh plants species are reported in the world now. This is a report of 1980. The World Conservation Union, that is IUCN, red list of plants, including some 34,000 threatened species in 1997. तो रेड लिस्ट ऑफ प्लांट्स का मतलब है एक ऐसी लिस्टिंग है, एक ऐसी बुक है जिसमें उन प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं जो खत्म होने के कगार पर है. यदि उनको कंजर्व नहीं किया गया आइदर इन सीटू आइदर एक्सीटू मेथड से तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. इट इज आल्सो नोन एज रेड डाटा बुक और रेड लिस्ट ऑफ प्लांट्स, क्योंकि लाल रंग हमेशा खतरे का होता है तो इसलिए ये नाम इसमें यूज किया गया है रेड लिस्ट. 60,000 टू 1 लाख प्लांट स्पीशीज आर करेंटली थ्रेटेड. पूरे संसार में 1 लाख पौधे ऐसे हैं जिन पे किसी न किसी वजह से वो बहुत कम बचे हैं. 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिलीक्स ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब आयुर्वेदा पे बेस्ड है हम लोग बेसिकली अभी. Globally, 80% of our plant-based calorie intake comes from just 12 domesticated plant species. जिसमें 8 cereals हैं, 4 tubers हैं. अधिकतर आबादी इन्हीं 12 plants पे based है. तो भिन्न भिन्न प्रकार के cereals हम खाते हैं या 4 प्रकार के tubers जिसमें आलू भी आएगा. दो 30,000 species of plants are edible. अलग बात है कि 4 लाख में लगभग 30,000 ऐसे पौधे हैं जिन्हें हम किसी न किसी रूप में खाते हैं, सीधा खाते हैं, दवाई के रूप में खाते हैं या और. सो नीड टू स्टडी अबाउट ऑल प्लांट्स एंड फॉर नो अबाउट द इकोसिस्टम कंजर्व बायोडाइवर्सिटी प्रॉपर मैनेजमेंट एंड आल्सो देयर साइंटिफिक स्टडी. Classification systems are basically divided into 3 types. One is artificial, between 300 BC to 735 AD के बीच में कुछ classification आए जो basically artificial कहलाए. 1600 to 1883 AD के बीच में कुछ classification आए जिसमें Benthman Hooker का भी है जो आपके natural कहलाए. फिर 83 onwards इन नेचुरल के साथ साथ फिर इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट पे बेस्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स आए जो आजकल भी काफी पॉपुलर हैं. कुछ चीजें रिपीट होंगी लेकिन ये कि समझाने के हिसाब से जरूरी है. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दे आर द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल प्लांट्स. Classification of plants into different taxa based upon one or few characteristics of the plant, which is selected by authors such as reproductive behavior, physical appearance, पौधे कैसे दिख रहे हैं, habit क्या है उनकी, habitat का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिए, habit का मतलब appearance of the plant, पौधा कैसा दिख रहा है, herb है, shrub है, tree है, under shrub है,
हैबिटेट का मतलब होता है किन परिस्थितियों में पाया जाता है, किन इकोलॉजिकल परिस्थितियों में वो पाया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में याद करने के हिसाब से, जैसे हैबिट को मैंने अपीयरेंस ऑफ प्लांट बताया, इसी तरह हैबिटेट को एड्रेस ऑफ द प्लांट। अब यहाँ आप कहेंगे एड्रेस माने पता, तो कहने का मतलब है कि वो हाइड्रोफिटिक कंडीशन में है, जीरोफिटिक कंडीशन वाला पौधा है, या इकोलॉजी के हिसाब से, या मेसोफिटिक जिसको टेरेस्ट्रियल प्लांट भी बोलते हैं। तो अमूमन हमारे आसपास जितने पौधे हैं दे आर बेसिकली मेसोफिटिक प्लांट्स। हाइड्रोफाइट के लिए देखना पड़ेगा तो आपको सोराताल जाना पड़ेगा। जीरोफिटिक प्लांट्स कुछ होते हैं, कैक्टस यहाँ पे मिलते हैं जो कि कम पानी में उगते हैं, लेकिन बेसिकली फिर आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। उसके बाद फिनोलॉजी, देन कॉटिलीडन्स ऑल्सो, सम इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल सिस्टम्स, जो सिस्टम शुरुआती दौर में वेदास में दिए गए वो भी आर्टिफिशियल थे, देन थियोफ्रिस्टस, स्कंडस, डायस्कोरोइड्स, मैग्नस, ग्रूनफेल्स, बॉक, फुक्स, टनफोर्ट एंड लिनियस। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पहला क्लासिफिकेशन आपका हमारे वेदों में दिया गया था, है ना। आपने चार वेद पढ़े होंगे, तो उन्हीं में बेसिकली अथर्ववेद जिसमें आयुर्वेद पे बेस्ड है, उसी में ज्यादा पौधों का वर्णन बहुत ज्यादा है। वेदाज में जो भी थे क्लासिफिकेशन, उनके कुछ आधार थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आधार थे, जो कि कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल किए गए थे उस समय, वो है रिलीजियस इंपॉर्टेंस, यूज, मेडिसिन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आधार पे। तो उसमें उस पीरियड पे जिसमें कि मान के हम चलते हैं कि साइंस आज जैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी वेदों में साइंस ज्यादा एडवांस थी। उसके बाद थियोफ्रस्टस, साइज एंड लाइफ टाइम के बीच में, हर्बिशरम एंड ट्रीज, हर्बलिस्ट ने बेसिकली मेडिसिनल वैल्यूज के आधार पर डिवाइड किया, टनफोर्ट ने फ्लावर एंड फ्रूट गिविंग राइज किए, की इनोवेटर ऑफ द जीनस, और लिनियस के का जो क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है, दैट इज सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट्स, इट इज नंबर, लेंथ एंड यूनियन ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पल्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिनको हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी कहते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के रूप में। तो मेरिट का मतलब एडवांटेजेस और डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेजेस। तो ये कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, तो उस हिसाब से इस प्रश्न को तैयार करेंगे आप लोग। तो मेरिट्स और एडवांटेजेस में ये आर्टिफिशियल सिस्टम, क्योंकि ये बहुत सिंपल थे और ईजी थे, नीड शॉर्ट टाइम एंड इंफॉर्मेशन, poorly known plants can be placed easily, need very few instruments, or specifically focus on properties of interest. जो पौधा जिस काम आ रहा है उस हिसाब से, तो बहुत ही एकदम सिंपल वर्गीकरण थे। अब आती है demerits और disadvantages, मतलब negative aspect. Cannot group all plants perfectly. Second, little predictive values. Arbitrarily selected properties do not necessarily correlate well with each other, जो कि हमें बाद में चल के नेचुरल सिस्टम में दिखाई दी, and cannot describe evolution, के बारे में तो उसमें बिल्कुल चर्चा ही नहीं थी। तो this is all about the merits and demerits of artificial systems. अब ये नट सेल में आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लिनियर सिस्टम जिसको 24 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, लेंथ एंड यूनियन ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पल्स। जैसे मोनेंड्रिया, मोनो माने सिंगल होता है, जिसमें एक स्टेमन वाले पौधों को रख दिया गया, पूरे प्लांट किंगडम में, पूरे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जिनमें एक स्टेमन था वो इस ग्रुप में आ गए। इसी तरह डायएंड्रिया दो, ट्राएंड्रिया तीन स्टेमन वाले, डेकेंड्रिया इसी तरह 10 स्टेमन वाले, फिर डेकेंड्रिया आपके 11 से 19 स्टेमन वाले। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आगे चल के कुछ कुछ समूह आपके नंबर के आधार पे, कुछ लेंथ के आधार पे,
मतलब फिलामेंट की लेंथ की बात कर रहे हैं, स्टेमन में एक तो एंथर होता है ऊपर और दूसरा फिलामेंट होता है, दो ही पार्ट होते हैं बेसिकली। फिर इसी तरह इन्होंने आपके 24 ग्रुप्स में कर दिया पूरे को। अब हम आते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस टैक्सोनॉमिक सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जीन बोहेन इन 1623, मतलब प्रीवियसली ये किया गया था। अलग बात है कि ये क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए। दीज सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज ऑफ प्लांट्स, इट इज डन बेस्ड ऑन नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, इट प्लेस टूगेदर ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शेयर्ड फीचर्स, आपस में डिसिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज कितनी है। इसी आधार पे बेंथम एंड हुकर ने सारे ग्रुप्स का निर्माण किया, जैसे पॉलीपेटली, गैमेपेटली, मोनोक्लेमाइडी, ये आपका डाइकॉट्स के तीन ग्रुप है और चौथा ग्रुप आपका मोनोकॉट का है। नो सिंगल फीचर इज नॉट इंपॉर्टेंट बट टोटल फीचर्स आर द टूल ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर गुण के आधार पर नहीं किया जैसे कि लिनियस ने दिया था। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट विच इज डन बेस्ड ऑन मैक्सिमम नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मैक्सिमम नेचुरल एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड नॉट ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स बट टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्ट एज द की टू प्लेस ए प्लांट इनटू ए डेफिनेट टैक्सा इज टर्म्ड एज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सम इंपॉर्टेंट नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, गेस्पर्ट बोहेन, जॉन रे, एडनसन, ए एल डी जेस्यू, रॉबर्ट ब्राउन, एपी डिकंडोली, एल्फोंसे एंड द वेरी मच इंपॉर्टेंट इज बेंथम एंड हुकर। अब इन्होंने अलग अलग जो नेचुरल सिस्टम थे उन्होंने अपने अपने आधार बनाए, बेसिस बनाए, तो फिलहाल हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल बेंथम की बात करेंगे, बेंथम एंड हुकर की, जिन्होंने सीड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, मतलब सीड प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब किया, स्पर्मेटोफाइटा। अब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द नेचुरल सिस्टम, मैंने अगेन आपको बताया, ये अक्सर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, तो एडवांटेजेस और मेरिट्स, मोर सेटिस्फेक्टरी ऑन प्लेसिंग ऑफ स्पीसीज, मोर प्रोडक्टिव वैल्यूज, आर्बिट्री सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज आर नेसेसरी कोरिलेट वेल विद ईच अदर, can be used to predict properties not related to the classification, contain more information about a species। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि संसार के अधिकतर देशों में, करीब 205 के आसपास देश है, अधिकतर देशों में यही बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होता है। अब आता है डिमेरिट्स, इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स देन आर्टिफिशियल, need long time and more information, poorly known plants cannot be placed easily, cannot focus specifically on properties of interest। And this is the normal classification of बेंथम एंड हुकर। आप इस तरह भी वर्गीकरण को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्गीकरण है तो उसको कैसे याद करेंगे, तो इस सिंपल चार्ट के द्वारा भी आप वर्गीकरण को याद किया जा सकता है। प्लांट किंगडम कैन बी डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स, जिनमें पुष्प नहीं बनते, जिनमें पुष्प बनते हैं, ठीक। फिर इनको डिवाइड किया गया है आपको डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स में। बेंथम हुकर ने जिन सब को डाइकॉट एंड मोनोकॉट के बीच में रखा था, शायद उनकी वजह यह रही होगी क्योंकि जिम्नोस्पर्म भी सीड प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म्स है, लेकिन वहां अनकवर्ड सीड्स मिलते हैं और एंजियोस्पर्म्स में कवर्ड सीड मिलते हैं, बस यही फर्क है थोड़ा सा। तो हमें यहाँ केवल जरूरत है आपको एंजियोस्पर्म्स की, फिर ये पॉलीपेटली, गैमेपेटली, मोनोक्लेमाइडी, ठीक। फिर हर ग्रुप्स को फिर आगे डिवाइड किया गया है सीरीज में,
जैसे थैलमी फ्लोरी, पॉलीपेटली को डिवाइड किया गया, डिस्की फ्लोरी एंड कैलेसी फ्लोरी। फिर इसी तरह आप देखेंगे ये मोनोकोट्स को डिवाइड किया गया है। तो यदि नट सेल में आपको क्लासिफिकेशन याद ही करना है तो इस रूप में याद कर लीजिए, ऑर्डर्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आसानी होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा, जैसे लिनियस ने अपना वर्गीकरण किस पुस्तक में दिया, किस साल में दिया, और आउटलाइन क्लासिफिकेशन ये है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये है। यदि ये पैटर्न आप अपनाएंगे तो क्लासिफिकेशन वाला यदि प्रश्न पूछना आता है और आपको करना मजबूरी है तो आप उसको इस पैटर्न में कर सकते हैं कि वैसे तो परेशानी होगी कितने सारे ऑर्डर्स कैसे डिवाइड होंगे, तो जस्ट अवॉइड द ऑर्डर्स। कई बार कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, तो आप अपने तैयारी को आप इस हिसाब से कर सकते हो, कंपैरिजन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। चार पांच पॉइंट में हम, पहला है बेसिस क्या है दोनों का, जैसे सम टोटल ऑफ ऑल द करेक्टर्स ऑफ इट्स मेंबर्स, है आर्टिफिशियल में उन्होंने क्या किया, केवल एक करेक्टर लिया। फिर सिंपल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे दीजिए आप उसमें। तो इस तरह से आप दो दो तरह के वर्गीकरण को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब थर्ड ग्रुप है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ, डन इन वेरी माइक्रो स्केल, इवन सेलुलर लेवल तक, मतलब साइटोलॉजी को भी इंक्लूड करते हैं हम इसमें। बेसिक ऑफ द सिस्टम इज द डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय A.W. Eckler in 1883। गोल माने एम भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म इस्तेमाल होते हैं, व्हाट इज गोल ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज एम ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम। सो गोल ऑफ द सिस्टम इज टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशनरी डिसेंट ऑफ इट्स मेंबर, कि विकास के क्रम में ये फैमिली, ये जीनस, ये स्पीसीज की उत्पत्ति कैसे हुई। सिस्टम वेयर इट इज बिलीव दैट एवरी स्पीसीज इज कम फ्रॉम द एवोल्यूशनरी चेंज, सो इट इज डिफाइंड एज द क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्लांट स्पीसीज व्हेन यू आर डीलिंग प्लांट टैक्सोनॉमी। Some important natural systems of the classification, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, heading गलत है। Some of the important phylogenetic system of the classification, Eckler, Engler and Pintle, Bese, Sokol and Sneath, ये कुछ recent classification है, और आप क्योंकि recent तो बहुत आ गया है, ABG system कहलाता है, angiosperm phylogenetic group system। आपके कोर्स में आपका कॉन्क्विस्ट होगा, हचिंसन होगा, तख्ताजान होगा। अगेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, फर्स्ट मेरिट यूनिक नेम फॉर ईच स्पीसीज एलिमिनेट कंफ्यूजन, मैक्सिमम प्रेडिक्टिव वैल्यूज, मैक्सिमम डिटेल साइंटिफिक स्टडी, कंटेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट ए स्पीसीज, मतलब एक्सटर्नल करेक्टर के आधार पे उस प्लांट स्पीसीज की साइटोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, फाइटोकेमिस्ट्री, इवन मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट, आरएनए डीएनए का भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ अबाउट द डिमेरिट्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स देन अदर्स, वो तो जितना की चीजों को हम ऐड करते चले जाएंगे, यदि आर्टिफिशियल से कंपेरिजन करें, नेचुरल से कंपेरिजन करें, तो हमने क्या किया है कि सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड कर दिया, तो नेचुरली ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो याद करने में डिफिकल्टी होगी थोड़ा सा, लेकिन हमें क्योंकि एडवांसमेंट की तरफ बढ़ना है तो एक तरह से ये मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी का पार्ट है। नीड लॉन्ग टाइम एंड रिसर्च, फिजिकल अपीयरेंस आर नेग्लेक्टेड, फिजिकली सेम स्पीसीज कैन बी इन
डिफरेंट ग्रुप। तो कुछ एनामलीज देखी गई हैं, क्योंकि कमी तो हर चीज में निकल आती है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम, मतलब ओवरऑल यदि असेसमेंट किया जाए आर्टिफिशियल नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स में से जो अब तक दिए गए स्टार्टिंग फ्रॉम द वेदास, तो ये क्लासिफिकेशन सबसे पॉपुलर है दुनिया में आजकल। आर्टिफिशियल में केवल दो पॉपुलर है, थियोफ्रेस्टस का और लेनियस का, नेचुरल का बेंथम अनहुकर का, जैसे ऑलरेडी बताया मैंने आपको, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हचिनसन, तख्ताजान और एपीजी सिस्टम, जिसको कॉमन किया गया है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप सिस्टम्स के रूप में इसको आजकल जाना जाता है। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, क्योंकि सारी चीजें इंक्लूड की गई मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरल सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम को किया गया, तब जाके वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन आया। अब ये चार्ट है समझने के हिसाब से सिंपल, और कुछ नहीं है। जैसे ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कब कब की चीजें आई, आर्टिफिशियल है, थियोफ्रेस्टस है, हर्बलिस्ट का पीरियड है, टर्नफोर्ड का पीरियड है, लिनियर का पीरियड है। तो ये एराज के हिसाब से या ईयर के हिसाब से बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट के बारे में ये केवल ये समझाने के हिसाब से या ये चार्ट बनाया है। अब ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको मान लीजिए और पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। बुक्स हैं जेफरी, कई बार ये होता है, थोड़ा सा ये बताने में चाहूंगा, कई बार पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाती हैं नेट पर, तो जो बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, तो बस आपको ट्राई करना है गूगल पे जाके कि कोई इंपॉर्टेंट बुक है, फॉर एग्जाम्पल ओपी शर्मा की किताब है तो आगे भरेंगे आप प्लांट टेक्सोनॉमी बाई ओपी शर्मा पीडीएफ, यदि उपलब्ध होगी तो वो अवेलेबल हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और ई बुक की तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल सारे स्मार्टफोन में ई बुक रीडर भी आ गया है, तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि सारी किताबें खरीद जाए, यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बॉटनी की हर ब्रांच की कोई ना कोई किताब इजीली अवेलेबल है। कुछ किताब मैंने शुरुआती दौर में भेजी भी थी आपको, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं पूछ पाते हैं, तो आप ये कि व्हाट्सएप पे पूछ लिया करिए, अलग से पूछ लीजिए, मैं आपके कॉमन ग्रुप पे डाल दूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच। कल मैं कोशिश करूंगा आपके कुछ फैमिलीज के बारे में जानकारी देने की। ओके ओके।